आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहां पे मकड़ी को लेकर कंट्रोवर्सी हो गई है। मकड़ी को लेकर कंट्रोवर्सी, आप बोले मकड़ी को लेकर ना, मकड़ी का नाम जो है वो आदि कवि महान संत नरसिंह मेहता को लेकर हो गई है। तो हम पहले नरसिंह मेहता की बात करेंगे और उसके बाद फिर हम देखेंगे कंट्रोवर्सी हुई क्यों है। यहाँ पे नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी BKNMU ने एक नए स्पीशीज को डिस्कवर किया, मकड़ी की एक नई प्रजाति को डिस्कवर किया। और यहाँ पे जिसने डिस्कवर किया उसने बोला कि नरसिंह मेहता की ब्लेसिंग्स हैं, उनके आशीर्वाद से मैं ये स्पीशीज डिस्कवर कर पाई हूँ। तो फिर यहाँ पे बोला गया कि चलो नाम रखते हैं नरसिंह मेहता के ऊपर। तो यहाँ पे फिर बवाल हो गया, नागर कम्युनिटी के लोगों ने बवाल कर दिया और बोला कि ना, नाम तो नहीं रखने देंगे। यहाँ पे दो रीजंस दिए गए। सबसे पहला तो अभी इसका पेटेंट फाइल नहीं हुआ है, तो जो प्रोफेसर त्रिवेदी हैं जो कि वाइस चांसलर, उन्होंने कहा कि पेटेंट फाइल नहीं हुआ है तो परेशान होने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हम नाम बदल देंगे। एक्चुअली ये इमोशनल अटैचमेंट था, हम बहुत ही इमोशनली कनेक्टेड हैं नरसिंह मेहता जी से, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जो नाम है वो इनके ऊपर दिया जाए, लेकिन हमको ऑन दी अदर हैंड लोगों की भी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट रखनी है। अब लोग अगर नहीं चाहते हैं तो हम बिल्कुल नाम नहीं रखेंगे। और मेरे दोस्त इंटेलेक्चुअल्स ने भी कहा कि नाम बदल दो। पहली बात, नरसिंह मेहता भाई बहुत 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 बड़ी पर्सनालिटी हैं और इन्होंने भक्ति मूवमेंट में रिफॉर्मेशन कर दिया पूरा, समझ लीजिए, ठीक है। भगवान कृष्ण की भक्ति में विलीन, भगवान कृष्ण का आशीर्वाद। तो आप एक कीड़े के ऊपर इनका नाम, मतलब एक कीड़े को इनका नाम कैसे रख सकते हो, पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट है कि अगर उसने किसी को काटा तो वो नरसिंह मेहता को ही कोसेगा, क्योंकि नाम तो इनके ऊपर है। तो इसीलिए नाम बदलने की कवायद की है। GS पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। तो यहां पे नागर कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए हैं, ठीक है ना। तो यही चीज है, 15th सेंचुरी पोएट थे ये। अब हम बताते हैं इनके बारे में, लेकिन इससे पहले भगवान शिव, हर हर महादेव, शिवरात्रि आने वाली है तो हमने सेल निकाली है शिव 25, आपको यूज करना है, प्राइसेस बढ़ जाएंगे। अभी तक हमने प्राइसेस इतने नहीं बढ़ाए, लेकिन दोस्तों मार्च से लाइव क्लास शुरू हो रही है, UPSC की लाइव क्लासेस शुरू हो रही है। 1-2-3 साल के लिए कोर्स आते हैं, UPSC का एग्जाम भी आ रहा है, सवाल को कैसे हल करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होंगी और आपके डाउट सेशन सब कुछ इन क्लासेस में होगा। हफ्ते में 5 दिन की क्लासेस होंगी, तो कोर्सेज अवेल करिए, कंबाइंड NCERT के कोर्सेज अवेल करिए, बैंकिंग के कोर्सेज अवेल करिए, सारे के सारे कोर्सेज अवेल करिए। इन नंबर्स में कॉल करना है आपको, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप। तो यहां पे भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी, नाम जो यूनिवर्सिटी है वो इन्हीं के नाम पे ही रखी गई है, BKNMU। मैं स्लाइड के हिसाब से चलूंगा, ठीक है ना, PPT के हिसाब से चलूंगा। जूनागढ़ में ये यूनिवर्सिटी है, इन्होंने स्पाइडर की, मकड़ी की एक नई प्रजाति को डिस्कवर किया और उसके बाद नरसिंह मेहताई नाम रख दिया, इन द ऑनर ऑफ नरसिंह मेहता, जो कि 15th सेंचुरी के पोएट थे और भगवान कृष्ण के डिवोटी थे। एक बार राजा ने बोला, क्या भगवान कृष्ण कहां है तुम्हारे, लेके आओ भगवान कृष्ण को, वरना मैं तुमको सजा दूंगा। जब बाहर निकले ना मेहता, तो पूरा हार से लदे हुए थे, इतने बड़े भक्त थे दोस्तों कि भाई इन्होंने मतलब डायनेमिक्स ही चेंज कर दिए। भक्ति मूवमेंट के बारे में आपको पता ही है, ये 8th सेंचुरी में शुरू हुआ था, ठीक है, साउथ में शुरू हुआ था। आदि शंकराचार्य ने चारों दिशाओं में जब मठों की स्थापना करना शुरू की और उसके बाद फिर चार धाम और फिर मतलब ये जो क्या कहते हैं, मतलब ये जो चला है, ठीक है ना, ये भक्ति जो चली है और ये जो मूवमेंट चला है, ये साउथ से फिर नॉर्थ में 15th सेंचुरी आते थे, पूरे नॉर्थ में फैल गया, सूफी भी इसमें शामिल हो गए, सूफिज्म भी आ गया और वैष्णव शैव हर कोई भक्ति करता था। देखिए इससे पहले क्या था ना कि अगर आपको पूजा करनी थी, आप भगवान को अगर आपको मानना था, लोअर क्लास वाले तो मान ही नहीं सकते थे, महिलाएं मान नहीं सकती थी, लेकिन अब बिल्कुल बदल गया, अब सारी चीजें बदल गई। अब यहां पे घर बैठे भी नाम जपो भाई, गुरु नानक, कबीर दास और मतलब एवरीवन वाज देयर, मतलब हर कोई, जो भी इंटेलेक्चुअल, बासा बन्ना, नरसिंह मेहता, इन्होंने पाठ पढ़ाया कि अगर तुमको भगवान की पूजा करनी है तुम घर पे ही नाम जप लो, तुमको दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है, भजन करो, कीर्तन करो, भगवान में लीन हो जाओ और आपको भगवान मिलेगा।
ये भक्ति मूवमेंट है, ये एक बहुत चोट थी बने बनाए सिस्टम पे, और इसने सोसाइटी को रिफॉर्म किया। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा भक्ति मूवमेंट में, पूरा सेपरेट लेक्चर है। तो यहां पे जो मेंबर्स थे, ठीक है, सब कास्ट ग्रुप ऑफ ब्राह्मण कम्युनिटी, जिसमें मेहता का जन्म हुआ था, नागर कम्युनिटी, और जो कि इनको बहुत ज्यादा मानते हैं, तो वही बता रहे कि भाई ये ग्लोबल नेम मिलेगा। तो भाई अब आप एक कीड़े मकोड़े के नाम पे अगर आप रखोगे तो उसको तो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि नरसिंह मेहता थे कौन, भगवान कृष्ण, कृष्ण भक्त थे नरसिंह मेहता, कृष्ण जो कि विष्णु अवतार थे। ठीक है, वैष्णविज्म और शैविज्म, अभी हम शैविज्म की भी बात करेंगे, कैसे नागर कम्युनिटी भगवान शिव से रिलेटेड है। अक्सर कई बार होता है ना कि शैविज्म और वैष्णवाइट में थोड़ा सा टसल चलता है, अलवर्स और नैनर्स में थोड़ा टसल चलता रहता है, बट ठीक है, कोई बात नहीं, ये सब एक ही छतरी के अंतर्गत ही आते हैं। तो इनका जन्म जो है वो भावनगर में हुआ था। ठीक है, 1410 में जन्मे थे ये, और 1480s में इनकी ये महासमाधि को प्राप्त हुए थे। जो इनका परिवार है, इट वॉज वेरी वेल रिस्पेक्टेड, और वाडनगर गुजरात से आता है, यानी कि गुजराती। अब देखिए मेहता और बाकी कहते हैं ना कि जो बिजनेस है ना, वो बनिया से बेहतरीन कोई नहीं जानता। ठीक है, तो वो जेनेटिक है, वो बहुत समय से चलता आ रहा है। तो जाहिर सी बात है कि उस समय जो बिजनेस था वो इन्हीं के ही पास होता था। ठीक है, सो दे वर द ऑफिसर्स इन द किंगडम्स ऑफ दोज डेज, जिनको मेहता बोला जाता था, जो कि सब अकाउंटिंग रिकॉर्ड, भाई जो राजा आता था, जो भी राजा आता था, जो भी सुल्तान आता था, गुजरात सल्तनत तो बहुत ज्यादा फैली, तो उनको अकाउंटेंट्स की जरूरत पड़ती थी, उनको रेवेन्यू ऑफिसर्स की जरूरत पड़ती थी, वो पोजीशन जो थे वो मेहता संभालते थे। ठीक है, तो वहां से फिर जब इनके पिताजी का देहांत हुआ, सिर्फ और सिर्फ ये 5 साल के थे। अच्छा, ये शुरुआत से ही कुछ टैलेंटेड थे, और 8 साल तक तो ये कुछ नहीं बोले, जब 8 साल के थे तब इन्होंने बोलना शुरू किया। और आप समझिए कि जब इन्होंने बोला हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण, तो यहां पे हुआ ये था कि बोल नहीं रहे थे, पूरा परिवार चिंतित कि यार ये तो बोल ही नहीं रहे हैं। फिर इनके पास आदमी आता और वो बोलता है कि भाई भगवान कृष्ण का नाम बोलो, तब उन्होंने 8 साल में बोलना शुरू किया, और वहां से कृष्ण भक्ति जो है वो शुरू हुई। इनके जो एल्डर ब्रदर थे, बड़े भाई थे बंसीधर, और बंसीधर की जो वाइफ थी उन्होंने इनको पाला पोसा। ठीक है, पिताजी तो 5 साल की उम्र में देहांत हो गया था। अब इन्होंने बहुत सारे चमत्कार किए, चमत्कारों से इनका जीवन जो है वो भरा हुआ है। मीराबाई की तरह ये भी कृष्ण भक्ति में लीन थे। भाई इनकी शादी हो गई, इनकी शादी हो गई मानिकबा से, लेकिन उसके बावजूद इनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, ये भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण बस। और देखिए जितने भी भक्ति मूवमेंट में जो रिफॉर्मर्स आए हैं, उन्होंने सबसे बड़ा काम ये किया ना कि उन्होंने लोअर कास्ट, उस समय कास्टिज्म बहुत ज्यादा था, तो उनको अपने साथ शामिल कर लिया, जिनको कोई नहीं पूछता था कि तुम भी भगवान का नाम लो, तुम भी इस रास्ते पे चलो। समाज ने उस समय बहुत ज्यादा इनको भी बहुत ज्यादा चोट की, ये भाई इन्होंने ब्राह्मण कम्युनिटी में जन्म, ठीक है, मतलब सब कास्ट, तो यहां इनको निकाल दिया इनको कि तुम निकलो यहां से, आउटकास्ट कर दिया कि तुम जो डिजर्व नहीं करते, या जो मतलब उस हायरार्की के हिसाब से कि तुम उनकी बस्ती में जाके, आप समझ रहे हो ना कि जो लोअर कास्ट है उनकी बस्ती में जाके तुम ये सब काम कर रहे हो, तुमको शोभा देता है, तुम कौन सी कास्ट से आते हो, तुम ये देखो। लेकिन तब भी इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, और आज इतिहास में हम इनका नाम देख रहे हैं। सो ये घर से भाग गए, बहुत ही कम उम्र में घर से भाग गए, शादी होगी, शादी से कोई लेना देना नहीं था, घर से भाग गए। और उसके बाद भगवान शिव के मंदिर में इन्होंने मेडिटेट किया, ठीक है, तपश्चर्य किया, ठीक है, तपस्या की इन्होंने 7 दिनों तक। भगवान शिव भोले तो भोले हैं, है ना, वो तो सबको, उन्होंने जब रावण को वरदान दे दिया, बाय द वे मैं बहुत जल्द रामायण शुरू करने वाला हूं, ये भी मैं आपको बता दूं, लेसन्स फ्रॉम रामायण, ठीक है, तो इनको तो वरदान देना ही था। और उसके बाद फिर जब इनकी आंख खुली, डिवाइन ज्ञान की प्राप्ति हुई, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं कि जूनागढ़ आ गए। यहां पे भी ये भगवान कृष्ण कृष्ण कृष्ण, दैट्स इट, कृष्ण भक्ति में ही ये विलीन रहते थे, देन भजन कीर्तन करते थे ये, एंड ही वॉज बेसिकली, मतलब इनको ये सिर्फ भगवान कृष्ण ही घूमते थे, सिर्फ भक्ति घूमती थी, परिवार को क्या हो रहा है क्या कुछ नहीं, ठीक है, यही इनका मोटिव था। अब इनके जो भजन है वो आज भी गाए जाते हैं, और इन्होंने जो लिखा जो गाया वो आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो राम मंडलिक उस समय रूलर ऑफ
जूनागढ़ थे उन्होंने इनको कैद कर लिया था, ठीक है, इन्होंने इनको जेल में बंद कर दिया था कि ये बताते कि इन्होंने भगवान कृष्ण को देखा है, लेकिन बोला कहां देखा है, बेवकूफ बना रहे हम सबको, दिखाओ कहां देखा है, और अगर नहीं दिखाओगे तुम जेल में बंद कर दिया, तुम कह रहे हो ना देखा है, तुमको जेल में डाल देंगे, और अगर नहीं दिखाओगे तो तुमको सजा देंगे, और वो सजाए मौत भी हो सकती थी। तो किंग ने ये ऑर्डर दिया कि इनको तभी छोड़ा जाए, ठीक है, इनको राजा ने यही बोला कि इनको तभी छोड़ा जाए जब ये साबित कर दे कि वाकई में इसने भगवान कृष्ण को देखा है। अब आप ये समझिए कि उस समय जब ये वापस आए, ठीक है भाई, जेल में तो कुछ है नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग वॉज देयर। एक सुबह जब दरबारी जो है वहां पे गुजर रहे थे तो ये देखते हैं कि हार, इनके गले पे हार, फूलों की माला, पूरे शरीर पे फूल ही फूल, अलग सा तेज। तब भाई समझ गए कि यार भगवान कृष्ण की इनके ऊपर कृपा है। तो उसके बाद फिर इनको छोड़ा गया, और उसके बाद इनकी ख्याति जो है वो बहुत ज्यादा फैल गई, और फिर इन्होंने बहुत जबरदस्त काम किया। अब आप समझिए कि 750 से ज्यादा कविताएं लिखी, इनको आदि कवि बोला जाता है गुजरात में, वन ऑफ द फर्स्ट वंस, मतलब वन ऑफ द फर्स्ट जिन्होंने कंपोज किया, ठीक है। इन्होंने जो लॉर्ड कृष्णा, भाई देखिए भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन थे, वैराग्य, डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली अफेयर्स, ठीक है, कहते हैं ना वैरागी हो गए, है ना। और उसके बाद और भी देयर आर मेनी मेनी थिंग्स, हरमाला, है ना, कुनर्बेनु, विवाह, ममेरु, हुंडी, दे ऑल्सो बिलीव टू बी ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट्स ऑफ द डिफरेंट ओकेजन्स, ठीक है। तो वैसे तो इन्होंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन इनके फॉलोअर्स तो लिखते रहते थे ना, ये जो बोलते थे वही इतिहास बन गया, ऐसा हिसाब किताब था भाई। वैष्णव जन तो तेने कहिए प्रीत पराई जाने रे, तो महात्मा गांधी जो है ये गाते ना, वैष्णव जन तो तेने कहिए, वो क्या बात है भाई, ठीक है। तो ये जो भजन था, ठीक है, महात्मा गांधी का, ये नरसिंह मेहता ने ही लिखा है ना। तो आप समझिए कि जब ये अभी भी रघुपति राघव राजा राम, खैर इन्होंने नहीं लिखा हो, तो महात्मा गांधी ने अपनी किताब में बताया कि वो तो मेरे मित्र ने सिखाया था, लेकिन ये वाला जो भजन है ना, ये जब आप सुनेंगे, आप सुनिएगा जरूर, अभी YouTube खोल के सुनिएगा, ये आपको अलग ही मतलब बहुत ही शांति देगा आपको, ठीक है। तो ये चीज है। फिर पढ़ो रे पोपट राजा राम, ये बहुत ही फेमस, मतलब ये भजन जो है ये आज भी गुजरात में आप जाएंगे ना तो घर घर में इसको रिसाइट किया जाता है कि भाई जैसे पोपट होता है ना, जैसे जो तोता होता है वो भगवान की ही वाणी, मतलब वो एक ही चीज रिपीट करेगा, ठीक है, ऐसा ही पोपट बन जाओ और भगवान जो बोल रहा है भगवान का नाम ही भजो, ठीक है ना। तो ये चीज है, ओके। देन और भी वल्ला रे वाया कनुड़ा, ठीक है, जो वेरियस बर्ड्स और नेचर से इनका बहुत ज्यादा लगाव रहा है, ठीक है, तो वो काफी ज्यादा था। तो ये चीज है, बहुत सारे और भी भजन लिखे, फॉर्म्स में आए। अब उसके बाद नागर कम्युनिटी की बात करें, अब आप बोलेंगे सर नागर कम्युनिटी क्यों इतना प्रोटेस्ट कर रही है, चलिए हम उसकी भी बात करते हैं। तो नागर कम्युनिटी ने इनको आउटकास्ट घोषित कर दिया था जूनागढ़ में, क्यों, क्योंकि ये हरिजनवास, दलित किया जाते, दलित लोकैलिटी में जाते थे। मैंने बताया ना भक्ति मूवमेंट का ये एम था कि हर किसी को जो भी दबा कुचला है उसको निकालो यहां से, तो वहां पे जाते थे, वहां पे ये भजन कीर्तन करते थे और वो लोगों को शामिल करते थे अपने आप में, और लोग शामिल भी होते थे भाई, एम्पावर कर रहे थे, लेकिन ये नागर कम्युनिटी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुई। तो इतिहास में नाम लिखना है, याद रखना, इतिहास में नाम लिखना, तुम अच्छा कर रहे हो, कितना भी ऑपोजिशन है, कितना भी ऑपोजिशन है, अपना काम करते रहो, ठीक है। तो भजन कीर्तन वहां पे उनके साथ गाते थे। अब उस समय नगर से जो है, अभी आप ये देखिए, ये हतकेश्वर संस्था, याद रखिएगा, जो अभी प्रोटेस्ट कर रही है ना, मतलब जो इस आपत्ति जताई है, हतकेश्वर संस्था ने यहां पे आपत्ति जताई है। अब नगर से जो है, देखिए ये नगर कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, एंड दे वर द डिवोटीज ऑफ हतकेश्वर। हतकेश्वर कौन है? हतकेश्वर भगवान शिव के 100 से ऊपर नाम है भाई, भगवान शिव को हतकेश्वर बोला जाता है। अब देखिए नैनर्स और अलवर्स के बीच में ज्यादा मतलब टसल रहती है, वैष्णव और शैव के बीच में होता है, प्रॉब्लम्स होती है। भारत में चार सेक्ट है ना हिंदुइज्म में, वैष्णविज्म, शैविज्म, शक्तिज्म और समर्थिज्म, ठीक है ना। तो यहां पे जन्म तो इनका हुआ था एज अ शैवाइट नागर कम्युनिटी, जो कि भगवान शिव को पूजती थी, लेकिन ये गए भगवान विष्णु की तरफ, ठीक है, लॉर्ड कृष्ण की तरफ, ये चीज है। उसके बाद ये तो एक प्रॉब्लम, फिर कैसे आपने दलितों के साथ चले गए आप उनसे भाई, उस समय वो दे वर नॉट अलाउड, वो वेद भी नहीं सुन सकते थे पुराने जमाने में, तो मतलब बहुत एंशियंट लेटर वेदिक एज में तो ये हो गया था ना कि अगर
जो शूद्र है वो वेद का उच्चारण भी सुन ले तो उसके कानों में खोलता तेल डाल दिया जाता था, अनइक्वालिटी एट इट्स पीक, ठीक है। तो ये चीज है। अब नगर जो है दे कैन बी कॉल्ड एन ऑर्थोडॉक्स एंड कंजर्वेटिव कम्युनिटी, तो इसीलिए ये काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहे। अभी अगर बात करते हैं तो इनको आदि कवि बोला जाता है, आदि कवि मतलब द फर्स्ट पोइट, ठीक है ना, द फर्स्ट पोइट एंड भक्ति कवि। भक्ति मूवमेंट में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, 750 पोयम्स लिखी। गुजराती लिटरेचर में कहते ना बंगाली लिटरेचर बहुत रिच है, नो बंगाली लिटरेचर रिच है, कभी गुजराती लिटरेचर को पढ़िएगा वो भी बहुत रिच है। तो इनके जो भजन्स हैं दे वर द इंटीग्रल पार्ट्स ऑफ द गुजराती कल्चरल लाइफ्स इवन 6 सेंचुरीज आफ्टर दे वर रिटन। और 6 सेंचुरीज क्या, 7, 8, 9, 10 सैकड़ों अरबों साल तक, जब तक ये दुनिया है ना तब तक इनके भजन जो है वो चलेंगे, ठीक है। तो जूनागढ़ यूनिवर्सिटी सेट अप बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन 2017 नेम आफ्टर हिम, BKNMU, ठीक है, जहां पे ये हो रहा है इसको 2017 में बनाया गया था। तो ये पूरा बवाल जो है वो हो रहा है, और उसके बाद फिर इनके नाम पे एक लेक भी यहां पे जो आप देख रहे हैं कि ये सरोवर भी अहमदाबाद में इनके नाम पे रखा गया है, ओके। तो ये चीज है। उसके बाद फिर नरसिंह मेहता अवार्ड भी दिया जाता है भाई, क्योंकि लिटरेचर, इट्स ऑल अबाउट लिटरेचर। सो इट वाज इंस्टीट्यूटेड एट द इनिशिएटिव ऑफ मुरारी बापू एंड द पोएट मनोज खांडेरिया इन 1999। तो लाइफ टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन जो इनका था उसको रिकॉग्नाइज करके ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो ये लेक्चर था दोस्तों, लेकिन अब थोड़ा सा दुख होता है कि इनको लेके इतनी कॉन्ट्रोवर्सी हो रही है, बहुत ही। वैसे तो नरसिंह मेहता का तो एक ही मानना था कि भाई हर कोई एक समान है, मतलब कोई क्वालिटी नहीं है, है ना, सब कोई मतलब हर किसी में आत्मा बसती है, तो क्या ही सांप क्या ही मकड़े क्या ही क्या। बट अभी कॉन्ट्रोवर्सी है, अब जो है सो है, हम लोग को अभी थोड़ा सा लोगों की भावनाओं का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो यहीं पे प्रोफेसर ने और इसको बहुत ही अच्छे से लिया, मतलब ऐसा कोई बवाल नहीं हुआ बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ही पीसफुली सब कुछ सुलझ गया। खुश रहिए, पढ़ते रहिए, देश से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।